लेकिन ये सच है कि सिक्स लेन के बनने से न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी बल्कि भोपाल के विकास में सिक्स लेन सड़क मील का पत्थर भी साबित होगी। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। इस बीच आपको कांकेर से बड़ी खबर बता दें, जहां तेंदुए से दहशत देखने को मिल रही है। सड़क किनारे फिर तेंदुआ नजर आया है। खपरा पारा से डुमली मार्ग में नजर आया तेंदुआ, लगातार तीसरी बार तेंदुआ देखा गया। तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है, सड़क पर यह तेंदुआ देखा गया और ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों के मन में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया है। तेंदुए की दस्तक से लोग डरे हुए हैं। खपरा बारा से डुमली मार्ग में ये तेंदुआ नजर आया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज पोलैंड पर है। नीरज, ये तेंदुआ कैसे इस इलाके में नजर आया और वन विभाग को सूचना देने के बाद कोई कदम उठाया गया? देखिए, ये जो तेंदुआ है लगातार तीसरी बार देखा गया है। डुमली, खपरा पारा, इसके अलावा भीरा भाई के आसपास लगातार जो है बीते अगर सप्ताह भर की बात करें तो तीन बार ये जो है तेंदुआ नजर आ चुका है। दो अलग अलग स्थानों पर जो है तेंदुआ नजर आए हैं, जिसमें मादा तेंदुआ के साथ दो शावक भी मौजूद थे। लगातार इसकी मौजूदगी से ग्रामीण काफी दहशत में है, क्योंकि जो ये तेंदुआ है वो रिहायशी इलाकों में भी हमने देखा था कि दो दिन पूर्व जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये जो तेंदुआ है रिहायशी इलाके में सड़क के बीच में नजर आ रहा था। तो खासतौर पर ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में लोग काफी दहशत में है। उनका कहना है कि शाम होते ही अब तेंदुए की आमद को देखते हुए शाम होते ही सभी घरों में अपने दुबक जाते हैं। वन विभाग को हालांकि सूचित की गई है, वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन वन विभाग द्वारा अब तक कोई कार्रवाई कोई पहल नहीं की गई है। जैसे ही शाम होती है तेंदुए की आमद से लोग काफी दहशत में रहते हैं और तरह तरह की तस्वीरें भी निकल कर आती है, जिसमें शाम होते ही जब उस मार्ग से गुजरते रहते हैं उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया है, इसकी फोटो भी कैद की है। जो तस्वीर आज सामने आई है वो कल की तस्वीर है, कल डुमली और खपरापारा के पास ही है ये तेंदुआ नजर आया है। नहीं तो नीरज, ये तो फिर चिंता की बात है अगर वन विभाग इसमें कोई कदम नहीं उठा रहा। ये तेंदुए तो मवेशियों को भी उनके निशाना बना सकते हैं और साथ ही लोगों पर भी हमला कर सकते हैं, तो ये तो एक चिंता की बात है। कैसा, क्या बसावटी इलाका है ये? देखिए, ये काफी रिहायशी इलाका है क्योंकि ये कांकेर जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ इलाका है। कई ऐसी जगह है जहां पर तेंदुए जो है कुत्ते को अपना शिकार बना रहे हैं, मवेशियों को अपने शिकार बना रहे हैं, ऐसी जानकारियां भी छनकर सामने आती रहती है। लगातार जो है ठंड का समय है, इसमें भालू भी काफी दहशत फैलाए हुए हैं शहर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में, तो तेंदुए की आमद से भी लोग दहशत में, क्योंकि क्या होता है खासतौर पर ठंड का समय है, इस दौरान ग्रामीण खासतौर पर क्या होता है खेती किसानी का समय चल रहा है, शाम होते ही धाम डलते ही सभी ग्रामीण जो है अपने घरों में रहते हैं, उस दौरान जो है रात के अंधेरे में तेंदुए पहुंचते हैं और मवेशियों को भी अपना शिकार बनाते हैं। तो ग्रामीण काफी दहशत में, वन विभाग को इस पर कार्रवाई करने की बेहद आवश्यकता है क्योंकि वन विभाग की कार्रवाई से ही लोग जो है सतर्क रह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। उधर विदिशा के तोपपुरा सरकारी स्कूल में बच्चों को आने से रोकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल तोपपुरा स्कूल के एक शिक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले 8 गरीब बच्चों को क्लास में नहीं घुसने दिया। उनका कहना है कि इन बच्चों से बदबू आती है और ये नहाकर नहीं आते हैं, यही वजह है कि शिक्षिका ने इन्हें स्कूल आने से रोक दिया, जिसके बाद मजबूरी में इन बच्चों ने मदरसे में पढ़ना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी ओर तोपपुरा स्कूल के शिक्षिका ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार कर दिया है। वह मामले